हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ऊपर। एशिया कप का तीसरा मैच खेला गया और एक काफ़ी वन साइडेड गेम ऑफ क्रिकेट देखने को मिली। बांग्लादेश ने काफ़ी पथेटिक गेम ऑफ क्रिकेट खेली और बांग्लादेश की तरफ से हमें कोई फाइट बैक नज़र नहीं आई, ना उनके बैट्समैनों की तरफ से ना उनके बॉलर्स की तरफ से। तो बांग्लादेश ने पहले टॉस जीता और खुद पहले बैटिंग करने का फैसला किया। बांग्लादेश ने अपने 20 ओवरों में बनाए 127 रन 7 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें बांग्लादेश की तरफ से मुसद्दिक हुसैन ने 48 रन बनाए, मोहम्मद उल्लाह ने 25 रन बनाए और मेहदी हसन ने 14 रन की इनिंग्स खेली। और अफगानी बॉलर्स की तरफ से उनके स्पिनर छा गए और दोनों स्पिनर्स ने 3 विकेट ली, जिसमें राशिद और मुजीब थे। ठीक है, जब 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 अफगानिस्तान की बैटिंग गई, अफगानिस्तान की तरफ से नजीबुल्ला ने 43 रन की इनिंग्स खेली और इब्राहिम ने 42 रन की इनिंग्स खेली और जजई ने 23 रन बनाए और क्विक फायर रन बनाए। जजई थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन फिर भी जजई ने 23 रन की इन आउट इनिंग्स खेली और अफगानिस्तान ने ये टारगेट जो है 18.3 ओवरों में चेस कर लिया और अफगानिस्तान ने 131 रन बनाए। मुसद्दे को भी 1 विकेट मिली, शकीब उल हसन को भी 1 विकेट मिली और सैफुद्दीन को भी 1 विकेट मिली। ठीक है, अब ये हुआ कि अफगानिस्तान जो है क्वालिफाई कर गए हैं सुपर फोर के लिए और अब जो फाइनल जो इस ग्रुप में जो टफ टाइम है ना, वो पड़ेगा जो अगला मैच है वो डू एंड डाई होगा। क्योंकि अगर अगर श्रीलंका हारती तो श्रीलंका बाहर होती है, अगर बांग्लादेश हारती तो बांग्लादेश बाहर होती है। ठीक है, और इधर पाकिस्तान के ग्रुप में भी ये हिसाब है कि पाकिस्तान को भी जीतना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है और पाकिस्तान का हांगकांग के साथ मैच है। ठीक है, लेकिन इस मैच में कप्तानी शकीब उल हसन की बड़ी मीडियोक्रेसी थी। मोहम्मद उल्लाह से बॉलिंग क्यों नहीं करवाई गई? मोहम्मद उल्लाह एक अच्छे बॉलर है, अच्छे ऑलराउंडर है और वो अच्छी उनके पास एक्सपीरियंस भी है T20 का, लेकिन पता नहीं उनसे बॉलिंग क्यों नहीं करवाई। और उनके उनके पेस बॉलर्स इतनी मार खाई और बांग्लादेश के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, उनके पास काफ़ी ऑलराउंडर्स हैं और मोहम्मद उल्लाह भी बॉलिंग कर सकते थे और इक्का दुक्का और भी बॉलिंग कर सकते थे। उनके स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग कराई बांग्लादेश के, और जब शकीब को पता है कि अफगानी बॉलर्स ने स्पिनर्स पर विकेट लिए तो उसको भी चाहिए था कि स्पिनर्स से अटैक करते। शकीब के खुद ओवर अच्छे गए, शकीब खुद अच्छी उन्हें बॉलिंग करवाई, लेकिन वो फास्ट बॉलर्स पे लगे रहे और सैफुद्दीन ने वो 18वें ओवर में आकर जो कुट खाई ना, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सेटबैक लगा। वरना एक टाइम पर 24 बॉलों पर 45 रन चाहिए थे, लेकिन सैफुद्दीन ने जो ओवर कराया था जिसमें उसको 2 छक्के लगे, सारा मोमेंटम यहाँ गया और अफगानी का मोमेंटम या अफगानिस्तान का मोमेंटम यहाँ आया और इसकी वजह से वो मैच हार गए। लेकिन बांग्लादेशी बैटिंग जो है थी बिल्कुल फ्लॉप थी। ठीक है, बैटिंग की तरफ से कोई फाइट बैक देखने को नहीं मिली, ना उनके टॉप ऑर्डर, ना उनका मिडल ऑर्डर, ना उनके टेल, किसी ने भी फाइट बैक करने की कोशिश नहीं की और यही बात उनके बॉलर्स की भी लगती है। और अफगानिस्तान ने कमाल गेम ऑफ क्रिकेट खेली, पहले मैच में श्रीलंका को आउट क्लास किया और इस मैच में बांग्लादेश को आउट क्लास किया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।